क्लास थ्री। आज हम क्या करेंगे, प्रकृति से प्रेम। प्रकृति से प्रेम मतलब नेचर से लव, और पेज नंबर 87 और 88। प्रकृति के प्रेम जो है ये लेसन है आपका, और लेसन कितना है ये लेसन है 30। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, कहानी से टॉपिक से पता चल रहा है कि प्रकृति से प्रेम मतलब नेचर से लव। नेचर मतलब पेड़ पौधे जितना भी, उनसे हमको क्या करना है, नेचर से प्यार करना है। तो इसमें क्या है, इसमें है दो कैरेक्टर। नंबर वन है सुषमा और मनीष, ये दोनों क्या है, बहन भाई है। और ये जो है अपने पापा के साथ, पापा के दोस्त के साथ जो है केरल घूमने जाते हैं। कहाँ जाते हैं, केरल घूमने जाते हैं। और केरल जो है वो कहाँ है, साउथ में, दक्षिण भारत में। और बहुत ही ज्यादा क्या है ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा सुंदर है। मनीष जो है वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, वीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रकृति से मतलब नेचर से उसको बहुत प्यार है। पेड़ पौधे फूल चिड़ी चिड़िया जितने बर्ड्स हैं उन सबसे उसको बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन ये जो सुषमा है वो बहुत चंचल नेचर की है, और उसको जो है पेड़ पौधों से, प्रकृति से बिल्कुल भी उसको प्यार नहीं है। जो भी उसको फूल देखेगी वो उसको तुरंत उसको तोड़ के फेंक देगी। तो क्या हुआ, और मनीष जो है वो बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे को अच्छा लगता है, ग्रीनरी उसको अच्छा लगता है, वो प्लांटेशन करता रहता है, बहुत अच्छा है। और जो है ये जब अपने अंकल के घर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सुषमा जो है बहुत ज्यादा चंचल है। तो उसने क्या किया एक दिन, बहुत ज्यादा शैतान है, तो उसने क्या किया एक दिन जाके उसने एक पेड़ को, जो पौधे को, जो उसने उसको तोड़ दिया। जब उसने तोड़ दिया तो उसको क्या हुआ, उससे उसको तोड़ रही थी और बहुत ज्यादा शैतानी कर रही थी, वो गिर गई। तो गिरने से क्या हुआ, उसको चोट लग गया। और चोट लगने से जो अंकल थे, जो साउथ के, जो केरल के अंकल थे, उसके पापा के दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, वो जो पेड़ पौधे थे उसमें से कुछ पौधे को तोड़ के उसका पीस के उस घाव में लगा दिया, घाव में लगा दिया, और उसका दवाई बना के घाव में लगा दिया। तब जाके सुषमा को रियलाइज हुआ, उसने भी बहुत अपने आप उसने सोचा कि हाँ मैंने बहुत गलती किया, मुझे जो है पेड़ पौधे को मुझे भी जो है प्यार करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से हमको क्या होता है, हमको खाने पीने का चीज मिलता है, साथ में हमको दवाइयां भी मिलती है। और पेड़ पौधे जो है ये हमारे कोई न कोई हमारे जो है, अगर हमको चोट लगेगा तो उससे हम उपचार कर सकते, उसका हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने वो जो वो अंकल ने क्या बताया कि दुनिया में हर चीज का जो है वैल्यू है, हर चीज का इम्पोर्टेंस है, कोई भी चीज जो है बेकार नहीं है। इसलिए जो है हमको जो, और पेड़ पौधे तो जो हम लोग को बहुत ज्यादा हमारे लिए तो आवश्यक है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमको क्या करते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन देते हैं। रात को हमको क्या करते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमको क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, हमारा गंदा सांस को बाहर लेते हैं और हमको अच्छा सांस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो उससे हमको क्या होता है, वो हमारा जीवन प्राण रक्षक, हमारा वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो ठीक है, इसीलिए जो हमको पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए। और इसका जो है मैसेज भी क्या है, मैसेज में हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, ये हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। मतलब हमको क्या करना है, पेड़ पौधे को बहुत ज्यादा प्यार करना है, उसको उसकी रक्षा करना है, और क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमारे लाइफ को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और मैं जो हूँ नेक्स्ट इंटरनेट क्लास में ना इसको और अच्छी तरह से समझाऊंगी आपको। ठीक है, थैंक यू।